Okay, next up, another one of our regulars, could we have Kapil? There's so many today, right? Yeah, very quick. We all are seeking for a perfect life, but I have come to the conclusion that there's no perfect life, but we can always fill it with perfect moments. So, on this thought, chand linein, chand pankhiyan. Zindagi mein ye zaruri nahi ki tumhe kahan pahunchna hai. Zindagi mein ye zaruri nahi ki tumhe kahan pahunchna hai. Zaruri ye hai कि तुम्हारे साथ किसे चलना है. जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं, जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है. लोगों को अक्सर कहते सुना है, कि जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे. हमने तो ये महसूस किया भाई, मिलते रहेंगे तो भी तो जिंदा रहेंगे. सवाल ये नहीं है कि मंगल ग्रह पे जीवन है या नहीं. सवाल ये है कि हम इस धरती पर जीवित रह पाएंगे या नहीं. क्योंकि हम अपने आने वाली नस्ल के लिए के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे, और वो भी हमें कभी माफ नहीं करेंगे. अभी तो धरती माँ डील के पेपर साइन करने के लिए तैयार है, वरना कुछ देर यूं ही बीते तो हम सब भी बेमौत मारे जाएंगे. टेररिस्ट हो या मॉइस्ट, इंसान इंसान को बेरहमी से मार रहा है. कसूर उनका नहीं, कसूर हमारा और तुम्हारा है. फसलों की जगह गोदामों में बारूदों और गोलों से भर दिया है. फसलों की जगह गोदामों को गोलों और बारूदों से भर दिया है. अरे हथियार बनाने बंद कर दो, ये टेररिस्ट वाइस तो यूं ही मर जाएंगे. विश्व की कितनी ही माओं के बच्चे भुखमरी से भी बच जाएंगे. दोस्तों, हर एक की समस्याएं अनेक हैं और हर एक को ये समस्या अपनी बहुत बड़ी लगती है. बात यह है कि हम अच्छी चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, इसलिए दिखती नहीं है. मसलन डॉलर का रेट 60 रुपया हो गया है, दूध 55 रुपए, पेट्रोल 76. लेकिन भाई पासिंग मार्क्स तो आज भी 35 दिए हैं. अच्छा, हर स्टेज की अपनी एक समस्या है. बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है तो वो सोचने लगता है कि हाय वो भी क्या दिन थे जब हम हसीनाओं के गले मिला करते थे. ये उन दिनों की बात है जब हम 2 साल के हुआ करते थे. अच्छा, टीनेजर्स की अपनी प्रॉब्लम है. तुमको देखा तो एक ख्याल आया, तुम्हारी सहेली को देखा मिडिल एज वालों की समस्या जो है वो घरेलू होती है. जब अपने इस शख्स ने अपने बेटे को अपनी माँ से बात करते सुना कि माँ परी क्या उड़ती है. बेटा, परी आसमान में उड़ती है. बेटा, तो फिर हमारी काम वाली पाई क्यों नहीं उड़ती. बेटा, वो परी नहीं है ना. तो फिर पापा उसे परी परी क्या बुलाते हैं. अच्छा, ऐसा है तो आज से वो उड़ेगी और शायद पापा भी. अच्छा, जब मैंने एक वृद्ध को अपनी धर्म पत्नी, वृद्ध थे कोई 85 साल के, तो उन्होंने अपनी पत्नी को डार्लिंग डार्लिंग कहते बुलाते सुना तो मुझे लगा कि इनकी कोई समस्या नहीं है. लेकिन इनकी समस्या सबसे बड़ी थी. ये पिछले 10 सालों से अपनी बीवी का नाम भूल गए थे और पूछने की हिम्मत नहीं कर रहे.
दुनिया की हर समस्या का कारण दो है, भावनाएं और रिश्ते, इमोशंस एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। भावनाओं को जब हम कुचलते हैं और रिश्तों से जब हम जूझते हैं, तब स्ट्रेस, डिप्रेशन, इनसिक्योरिटी, गुस्सा, द्वेष और डर से घिर जाते हैं। फिर काम तो क्या, सब कुछ गलत करते जाते हैं। यूं तो पहले से ज्यादा विद्वान, तकनीकी तौर पर काबिल और जितने महान आज हम समझे जाते हैं, ताज्जुब ये है कि उतने ही दुखी, कमजोर और परेशान पाए जाते हैं। मेडिसिन, इंजीनियर, बायोटेक और विज्ञान शोध के तो अनेक विश्वविद्यालय हमने बना लिए हैं। हमदर्दी, प्रेम भावनाओं और आपसी रिश्तों को समझने के लिए एक भी विश्वविद्यालय हम क्यों नहीं बना रहे हैं? जरूरत आज आविष्कारों से जिंदगी बेहतर करने की नहीं, जरूरत आज आविष्कारों से जिंदगी बेहतर करने की नहीं, जिंदगी बचाने की है। क्योंकि हम भूल रहे हैं कि हम इंसान हैं, कंप्यूटर नहीं, इंसान हैं।